हेलो गाइस, आज सोनू शर्मा आ रहे हैं दुबई के अंदर और ये मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ। 88 नंबर बस है, ये जाएगी दुबई कॉलेज। तो अभी हम लोग दुबई कॉलेज जाने वाले हैं, बस के अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ पर आज मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी आ रहे हैं, तो देख के उधर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं सोनू शर्मा जी से। और ये 4 मेट्रो स्टेशन है दुबई इंटरनेट सिटी से दुबई कॉलेज जाने के लिए। तो अभी बस निकल गई है 5 बजे, 9 मिनट लेगी ओनली 4 मेट्रो स्टेशन और 4 स्टैंड पर जाने के लिए। तो वहीं पर दुबई कॉलेज में आज सोनू शर्मा का लाइव शो है। ये बकास भाई मिले हैं मुझे, ये पाकिस्तान कराची से हैं और ये भी सोनू शर्मा का इवेंट ज्वाइन करने आए हैं। तो हाउ डिड यू नो अबाउट सोनू शर्मा? आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, ओके, सो आई हैव सीन देयर वन गाय इज कमिंग टू दुबई, ओके, एंड ही विल बी मींस मोटिवेटिंग अस, सो दैट्स द मेन पर्पस कमिंग हियर। सो देखो ये भी इधर आए हैं एंड पाकिस्तान से आए, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखो सोनू शर्मा जी के इतने फैन हैं जो उनको पाकिस्तान से भी फॉलो करते हैं और ये उनको देखने के लिए आए। और लाइफ में ना हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आज हम सीखेंगे सोनू शर्मा जी के एक्सपीरियंस से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी लोग आ रखे हैं, अभी हम दुबई कॉलेज में आ गए इधर। आ जाओ प्रकाश भाई, है ना, बट दैट्स फाइन, वी विल मेक ओनली हेयर, इफ दे विल टेल नॉट अलाउड टू इनसाइड देन वी विल नॉट मेक। उसमें ये नहीं था, ये हमारे साथ हैं भाई, ये भी इंडिया से, कहाँ से आप? IGP दिल्ली, IGP दिल्ली से, और मैं आगरा उत्तर प्रदेश। इनसे अभी मुलाकात हुई है यही इवेंट में, सोनू शर्मा जी के इवेंट में सुनील भाई से मुलाकात हो गई। आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा, जस्ट फॉलो एज आई से, डू नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज यू नीड टू फोकस व्हेन मिस्टर सोनू शर्मा इज क्रोर्स ऑफ लाइव्स अक्रॉस द ग्लोब। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्पिरेशन स्पीकर्स इन इंडिया। सो आर यू गाइस रेडी टू वेलकम हिम? यस। एनर्जी के बिना मैं उनको इन्वाइट नहीं करूंगा यहाँ, मैं उनको एनर्जी के बिना यहाँ पे इन्वाइट नहीं करूंगा। So, are you guys ready to welcome Sonu Sharma? Yes! So, zordar taaliyon se swagat kar dijiye. The man himself, live in first time in UAE. Let's ladies and gentlemen, raise your hands together and welcome Sonu Sharma! मुझे अभी न्यूज मिली है सोनू शर्मा जी की टीम से कि उनको आपकी एनर्जी थोड़ी इतनी ज्यादा लगी नहीं कि उनको वहां से हम खींच लाए। क्या करें क्या करें? तो यार आपको एनर्जी और दिखानी पड़ेगी बिकॉज वो आ रहे थे और रुक गए, उनकी टीम जस्ट मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि रोहन मजा नहीं आया क्योंकि क्राउड के अंदर एनर्जी कम है। दुबई वालों नाक मत कटाओ यार, वो इंडिया से आए, मैंने जब उनसे बैक स्टेज मिला था तो मैंने उन्हें कहा कि
दुबई वालों में इतनी एनर्जी है कि आप भूल जाओगे इंडिया को, आप यहीं बस जाओगे। कितने लोग दुबई में बहुत सालों से रहे, हाथ ऊपर एक बार हाथ ऊपर, किनको 5 से 10 साल हो गए दुबई में, क्योंकि आप लोग एक यू प्रेजेंट यूएई, यू प्रेजेंट दुबई। आए लोग अपना माइंड चेंज करें कि दुबई शिफ्ट हो जाए, यहीं शोज करते रहे, तो मैं तो यही चाहूंगा। फिर और एक बार लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए द मैन हिमसेल्फ लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन दुबई, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉलिंग अप मिस्टर सोनू शर्मा। लाइव पहली बार देख रहे हैं, जिंदा पहली बार देख रहे हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार, तो मुझे लग रहा था बड़ा फेमस हूँ, लेकिन है नहीं ऐसा। हाँ, मोबाइल पे देखा है, अब जिंदा पहली बार देख रहे हैं, सब वीडियो में देखा है। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, टेक योर सीट्स, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोगों से मिलकर, और खुशी इस बात की है कि आज के इस दौर में भी लोग सीखना चाहते हैं। ये तो तालियों के हकदार आप हैं यार, अपने लिए बजा सकते हैं आपने, क्योंकि आज के दौर में सीखना तो कोई चाहता ही नहीं है। नहीं सर, चलिए, मेरा 3 छोटा सा रिक्वेस्ट मैं चाहूंगा। सबसे पहली बात आपको मेरी माननी पड़ेगी कि प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। जितना कुछ भी सीखा, अगर उसको एग्जीक्यूट कर सकें, कमाल हो जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कीप लविंग मी, कीप फॉलोइंग मी, और कभी मौका लगा तो और लंबा डिस्कशन आपसे करेंगे और टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस, मैं अभी अभी वापस आया हूँ सोनू शर्मा के इवेंट से, और उन्होंने ना आज बहुत बढ़िया अच्छा इवेंट किया, जिसका प्राइस डिफरेंट टाइप्स की टिकट थी, तो मैंने जो टिकट लिया था वो वीआईपी लिया हुआ था, और उसका ना हाथ में ये देखो बैंड भी लगाया, तो ये टिकट अंदर जाने के लिए बैंड लगाया था, वीवीआईपी टिकट थी मेरी। आज उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन मैं तो काम से सीधे गया था, बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन काफ़ी मज़ा आया उनसे मिलने के बाद, काफ़ी इंस्पिरेशन जो मिली काफ़ी मोटिवेशनल था। तो मैंने ना एक चीज़ आज उन्होंने जो पूरे उससे मैंने एक चीज़ सीखी वो यही थी कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो उसको फुलफ़िल करो, मतलब जब तक आप कोई कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि आप कमिटमेंट मत करो। तो ये था आज के ब्लॉग में, बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको ऐसे ब्लॉग और देखने तो आप मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम और भी किसी इवेंट में जाऊँगा, वहाँ भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ, ठीक है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।